हेलो एवरीवन। देखिए बाबू, आप लोगों का जो आज क्लास चलने वाला है वो आप लोगों का जो सीरीज शुरू होगा ना वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। ठीक, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग कुछ बेसिक्स आज देखेंगे और मे बी एक दो क्वेश्चंस अगर हम लोगों से हो पाएगा तो होगा। ठीक, किया जाएगा प्रयास। और बाकी जो अब तक है वो पॉलीनोमियल का एक्सरसाइज सभी एक्सरसाइज कवर किए गए इसमें। इसके बाद आप लोगों का ट्राइगोनोमेट्री चला है, उसके बाद सम एप्लीकेशन, अब ट्राइगोनोमेट्री चला है। ठीक, तो ये तीन चैप्टर अभी कवर किए गए हैं। इसके बाद जो है आप लोगों का वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसके बाद जो होगा वो सर्कल होगा, और उसके बाद जो भी आप लोग चैप्टर बोलेंगे जैसे जैसे आप लोगों ने अभी ये दोनों आप लोगों का डिमांड है तो इसको कवर किया जाएगा। ठीक है, और कुछ लोग एपी भी बोल रहे हैं तो जैसा मतलब सही लगेगा मुझको मैं वैसे स्टार्ट कर दूंगा, या फिर कहिएगा तो आप लोग सर्कल स्टार्ट किया जाएगा या फिर एपी स्टार्ट किया जाएगा, दोनों में से कोई ना कोई एक स्टार्ट जरूर होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो आज की जो क्लास है उसमें कुछ बेसिक्स जो टर्म है जैसे कि एफ सीसा हो गया, ऑर्डिनेट हो गया, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ये सारे जो टर्म है तो ये सब की क्लियरिटी जो रहना बहुत जरूरी है। और कुछ जो क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं उनका मतलब क्या है, उनकी जो साइड्स हैं वो क्या है, दूसरे के इक्वल क्यों हैं, उनके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, ये सब ये अभी मतलब क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेंगे हमको, इसलिए हम लोग इसका यूज देखेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम अपने बेसिक्स की जो क्लासेस हैं उसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग को तो पता ही होगा जो बेसिक्स हैं वो बहुत डिटेल से हम पढ़ाते हैं। ठीक, कोई आप लोग की क्लास कवर हो या ना हो लेकिन जो बेसिक्स है उसको कवर डिटेल में कराएंगे हम। ठीक, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हम बाबू सबसे पहले थोड़ा क्वाड्रेंट के बारे में जान लेते हैं, क्वाड्रेंट क्या होते हैं। ठीक, तो फिगर तो बड़ा बना बना के हम पढ़ाते हैं, आप लोग कुछ लोगों को हैबिट हो गई होगी, और जो लोग नए हैं बाबू तो उन लोगों से क्या है गुजारिश है कि वो लोग भी इस चीज को ये इस चीज की आदत डाल लें। ठीक है, क्योंकि ये उनके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि फिगर जो होते हैं ना किसी भी चीज को रिलेट करने में हमारे लिए आसानी रहती है, और कोई बात नहीं है। टाइम तो इसमें लगता है मतलब, हाँ, और कोई करा भी नहीं पाता है, ये भी सही है। ठीक, तो ये मान लीजिए हम लोगों ने बनाया ग्राफ, तो ये मान लीजिए ये जो है आप लोगों का वाई एक्सिस है, और जो ये है एक्स एक्सिस है। ठीक, और ये मान लीजिए वाई डैश हो जाएगा, और ये क्या हो गया तो एक्स डैश हो गया। ठीक, अब इन लोगों का थोड़ा हम नाम देते हैं। ठीक, तो जो बेसिक्स हैं वो डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, तो आप लोग टाइम की फिक्र मत करिएगा। जैसे कि ये आप लोगों का 0,0 है। ठीक, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो 0,0 इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। नाम ही पहले देख लिया जाए क्या, नाम ही चलिए देख लेते हैं, कुछ ना कुछ सीखना ही है। पहले क्वाड्रेंट देखिए या फिर टर्म देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जितना इस पे डिस्टेंस हम कवर करेंगे इसको हम लोग बाबू बोलते हैं एब्सिसा। तो इसको बोलते हैं एब्सिसा, और जो ये वाली डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक, क्या है ये, तो ऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक, यानी अगर हम कहना चाहें कि जैसे कि हम लोगों ने कुछ दूरी जो है एक्स तय की, ये एक मिनट रुक जाइए, ग्राफ से ही ये मतलब फिगर से ही बनाकर एक बढ़िया से एक्सप्लेन किया जाए। ये कुछ डिस्टेंस हमने एक्स पे कवर किया और कुछ डिस्टेंस हमने वाई पे कवर किया। ठीक, कुछ डिस्टेंस हम लोगों ने वाई पे कवर किया, तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ये एक बार एक्स कोऑर्डिनेट मिलेंगे और एक बार वाई कोऑर्डिनेट मिलेंगे। ठीक, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं बाबू, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, या फिर इन्हीं को
एफ सीसा बोलते हैं, एक्स वाले को क्या बोलते हैं, एफ सीसा बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट या फिर बोले तो एक्स एक्सिस, ये सारे टर्म से ये जाने जाते हैं। और जो दूसरा है टर्म जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो बाबू हो जाएगा आप लोगों का एबसिसा हो जाएगा, ठीक। और जो वाई वाला टर्म है, ठीक, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। जो वाई वाला टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, तो इसको बोलेंगे ना बाबू, तो वो हम बोलेंगे ऑर्डिनेट, ठीक। और इसी को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक। और इसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्डिनेट हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ठीक, ऑर्डिनेट भी तो हो गया। इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट, इसको भी कोऑर्डिनेट कहते हैं। बस देखिए जान जानना क्या फर्क है कोऑर्डिनेट में, ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, और ये वाला जो होगा तो ये वाई का कोऑर्डिनेट होगा, वाई का कोऑर्डिनेट होगा। बस इतना ही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक। यानी इसको हम लोग वाई एक्सिस को भी यहाँ पे तीन नामों से देख पा रहे होंगे आप लोग, जानते हैं, ठीक। और जो हमारे एक्स वाले कोऑर्डिनेट हैं उनको भी हम लोग तीन नाम से जान रहे हैं। तो ये इस चीज की मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर नाम कई जगह डिफरेंट डिफरेंट हो तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि सर ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चंस में अगर नाम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लिए जाए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये रही कहानी थोड़ी ये नेम वाली। अब थोड़ा ना अपना जो कहानी बढ़ाएंगे वो क्वाड्रेंट के बेसिस पे थोड़ा चलेंगे। तो क्वाड्रेंट क्या, क्वाड्रेंट की क्या कहानी है सर, वो भी सिखा दीजिए। तो बाबू हम तो सिखाने के लिए ही आए हैं यहाँ पे, तो सिखाया जाएगा आप लोगों को, ठीक। तो एक ग्राफ और बना लेते हैं हम, ठीक। ये भी क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आप लोगों का वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये एक्स डैश हो जाएगा, और ये वाई डैश हो जाएगा। सर आपने एक्स क्यों ही नहीं रखा, क्यों डैश आपने रख दिया, क्योंकि मतलब ये दोनों जो है वो थोड़ा अलग दिखने चाहिए, क्योंकि जो इधर वाला जो एक्सिस है इधर माइनस वाला है, और इधर में भी ये वाई डैश वाला जो है ये माइनस वाला है, इसीलिए बस नेम डिफरेंट रख दिया गया है, वाई डैश कर दिया गया, और कोई बात नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे नेम वाला तो काम खत्म हो गया, किसी का नेम देना नहीं है। अब चलते हैं अपने हम क्वाड्रेंट वाले बेसिस पे कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ठीक। तो चलो थोड़ा नाम इनको देते हैं हम, जैसे कि ये क्या हो गया, इसको मान लेते हैं वन, इसको माना हम लोगों ने टू, इसको हम लोगों ने माना थ्री, इसको हम लोगों ने माना फोर, और इधर वाले में जाएंगे तो ऐसे ही तो क्या हो जाएगा, वन टू थ्री एंड फोर, ऐसे ही इधर भी बना लेते हैं। इनका वर्क पड़ेगा, और क्या वर्क पड़ेगा वो आप लोग अब इसका रिजल्ट देखकर समझ जाएंगे कि क्यों हम ऐसा बना रहे हैं, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा कि क्या चल रहा है सर, यहाँ पे सर लाइनिंग बनवाई जाती है, सर ये हम लाइनिंग नहीं पढ़ेंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं, बस बैठ के चीजों को ध्यान से बस सीखने का प्रयास करिए बाबू, मेन फोकस सीखना है, क्या हो रहा है क्या नहीं वो मत ध्यान दीजिए। ऐसे ये माइनस वन, ये माइनस टू, ये माइनस थ्री, और ये माइनस फोर। अब क्या है ना, ये वाला जो है टर्म इसको हम लोग फर्स्ट, ये वाला सेकंड, और ये वाला जो है ये थर्ड, ठीक, और जो ये वाला है ये फोर्थ। इन सारे चारों को हम क्या बोलते हैं, तो क्वाड्रेंट बोलते हैं,
क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये एक क्वाड्रेंट हो गया, ये दूसरा क्वाड्रेंट हो गया, ये तीसरा क्वाड्रेंट हो गया और ये चौथा क्वाड्रेंट हो गया। अब इन क्वाड्रेंट की कहानी क्या है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, तो यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे है एक्स, है एक्स एक्सिस पे, तो जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव है, और जो वाई पे है वो भी पॉजिटिव वैल्यू है, सभी ये जो नंबर है ये सब पॉजिटिव ही है। तो जो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है हमारा, तो एक्स एक्सिस पहले लिखते हैं और वाई वाला बाद में लिखते हैं, तो वाई में भी सब कुछ क्या है, प्लस प्लस है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ना वो क्या होगा, प्लस प्लस होगा। वैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में चलते हैं, यानी ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो सबसे पहले लिखा जाता है तो एक्स होता है, एक्स क्वाड्रेंट, उसके बाद जो होता है वो वाई क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, ये सही नहीं लग रहा है तो इसको तो हम इरेज ही कर देते हैं। और जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है इसमें एक्स को पहले, एक्स वाला पहले लिखते हैं, तो एक्स में क्या है तो माइनस है, और वाई में क्या है तो प्लस है। लीजिए आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट बन गया। ऐसे ही थर्ड में चलेंगे, तो एक्स वाला जो है माइनस में है और जो वाई वाला है वो भी माइनस में है, ये तो थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया। और फोर्थ में तो एक्स वाला पहले जो है प्लस में है और जो वाई वाला है वो माइनस में है। तो कोई अगर पूछे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है वो प्लस प्लस, सेकेंड में प्लस माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस, ये सारे हो गए आपके क्वाड्रेंट। ठीक, और अगर मान लीजिए आप इसके बाद जो हम पढ़ाने वाले हैं वो बाबू डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाएंगे, और उसके बाद क्या है सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाएंगे। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज में, मतलब आप लोग ना थोड़ा, ये पहली बार ये चैप्टर आता है तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है, ये पॉइंट रख रहे हैं वो पॉइंट रख रहे हैं, कभी सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मुझे तो पल्ले, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। वो पल्ले पढ़ाने के लिए ही यहाँ पे आपके सर यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक, तो हमारे साथ आप पढ़ेंगे तो भाई परेशानियां तो कोई होंगी नहीं, परेशानियां तो कोई हम होने देंगे नहीं। तो जैसे कि हमने फिर ये बनाया ग्राफ से ही चीजों को पहले बढ़िया से समझिए, एक्सरसाइज तब एक्सरसाइज में तब जाएंगे ना तो फिर उसका जो एक्सरसाइज का मजा हम लोग लेंगे मिलकर, तो वो कुछ एक अलग लेवल का मजा होगा। तो इस ग्राफ से थोड़ा हम इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जैसे कि ये रहा आप लोगों का एक्स और ये रहा वाई, इतने की जरूरत है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने कुछ स्टेप जो डिस्टेंस जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग चला, कुछ डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग चला, ठीक, और कुछ डिस्टेंस जो है तो वाई एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने चला। ठीक, और यहां पे कोई पॉइंट मिलता है आप लोगों को, ठीक, मान लीजिए एक्स वन वाई वन, ठीक, और ऐसे ही यहां पे चलने पर जो मिल जाता है आप लोगों को एक और पॉइंट, मान लीजिए मिल गया, ठीक, ये भी पॉइंट बना लेते हैं, तो जो ये पॉइंट मिल रहा है एक मिनट रुक जाइए, ये रहा मान लीजिए, ठीक, ये मिला आप लोगों को एक्स टू वाई टू। अब यहां से ना इसको मान लीजिए P, इस वाले को मान लीजिए Q। अब यहां पे P और Q के बीच का अगर डिस्टेंस पता करना है, P और Q के बीच का डिस्टेंस पता करना है, तो यही इसी के लिए जो है वो फॉर्मूला हमारे होते हैं, जो फॉर्मूला होते हैं ना बाबू, तो ये फॉर्मूला बनता है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो अंडर रूट में
अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये आप लोगों का डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है, यही है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कैसे आ रहा है वो रीजन पता तो चलना चाहिए हमको एग्जैक्टली। हाँ हम लोगों ने पढ़ लिया कि डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है वो होता है, ठीक है मान लेते हैं आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों को फॉर्मूला लर्न हो गया, लेकिन जो एग्जैक्ट डेटा है वो कहाँ से मिल रहा है वो भी तो पता चलना चाहिए ना, वरना फिर पढ़ाई का क्या मतलब, जब वो जो चीजें समझ में नहीं आ रही है आप लोग को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन चीज कैसे है कहाँ से है, तो वो चीजों को रिलेट करना सीखी। ये हो जाएगा आप लोगों का डिस्टेंस फॉर्मूला, ऐसे ही सेक्शन फॉर्मूला को सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अब अपने एक्सरसाइज के पड़ाव पर, हम चल सकते हैं कि जो हमारा एक्सरसाइज है वो क्या है। तो बाबू यहाँ पे कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं वो दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल्स को आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये जो भी हैं एग्जाम्पल्स, और हम लोग अपने एक्सरसाइज में चलेंगे। तो एक्सरसाइज 7.1 जो है उसमें क्या है, पेन को चेंज कर लिया इसमें पता नहीं चलेगा। एक्सरसाइज जो 7.1 है इसमें क्या है, पहला जो है क्वेश्चंस बोला जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। कोई दो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये एक्स वन वाई वन, और दूसरा जो पॉइंट्स दिया गया है तो एक्स टू वाई टू दे दिया गया है। अब इन्हीं दोनों ये जो पॉइंट्स है ना इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए ये ए है ये बी है, तो ये इन्हीं के बीच का जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हमको बस पता करना है, यही हमारा क्वेश्चंस है, ठीक। तो क्वेश्चंस का मोटो समझ में आना चाहिए कि वो पूछा क्या जा रहा है, ठीक। तो क्वेश्चंस को नोट करते हैं हम लोग। तो एक्स में क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट में टू कमा थ्री है, 4,1 है, ठीक है, 2,2 पहले का पहला है, तो 2,3 है और क्या है 4,1 है, टू कॉमा थ्री है और 4,1 है। यानी अगर लिखना चाहे, अगर आप लोग लिखना चाहें वैसे डायरेक्ट करना चाहिए, आप लोगों को आदत बनानी चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग है तो लिख कर समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्स वन वाई वन हो जाएगा और ये जो है तो एक्स टू वाई टू वाले पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है, बाय यूजिंग लिख लेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का हम यूज करके क्या पता निकालेंगे वो देखिए हम। तो जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला से आप लोगों को क्या पता है कि जैसे कोई पॉइंट है ए और बी, तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला एक बार आप लोग बार बार लिखेंगे ना तो लर्न हो जाएगा, और अभी ट्रिक भी बता दे रहे हैं। तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले में लर्न करने वाली क्या बात है, तो एक बार ये 2,1 रिपीट होगा, ऐसे ही 2,1 रिपीट होगा, यानी एक्स टू माइनस एक्स वन और वाई टू माइनस वाई वन, ऐसे ही इसको आप लोग इन्वर्स भी कर सकते हैं फॉर्मूले में, 1,2 1,2 एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन। कोई जरूरी नहीं है कि आप लोगों को टू और वन मतलब एक्स टू एक्स वन क्या अरे सॉरी एक्स टू और एक्स वन का ही यूज करके फॉर्मूले को क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है।
आपको जो सही लगता है तो दोनों में से कोई ले सकते हैं, ठीक। तो अब हम वैल्यू को रखते हैं बिना किसी देरी किए हुए, तो जो ए बी निकल के आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक्स टू जो है क्या है, तो 4 है, और जो एक्स वन है वो क्या है, तो 2 है। इनका होल स्क्वायर कर लेंगे। अब जो वाई टू है वो क्या है, तो 1 है, और जो वाई वन है वो क्या है बाबू, 3 है। इनका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। अब 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस, अब 1 में से 2 गया तो बाबू क्या हो जाएगा, तो -2 का वो स्क्वायर हो जाएगा। इधर ए बी हो जाएगा, देन अंडर रूट में क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर तो 4। अब यहाँ पे क्या आया, तो अंडर रूट में 8 आया। तो अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, तो जैसे कि 8 को यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, और कोई बात नहीं, ये एलसीएम लेंगे ना, तो 2 4 जाए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, ठीक। और ये नहीं बन रहा है, तो ये वाला चीजें जो होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। तो जब बाहर आएंगी तो क्या हो जाएगा, तो 2√2, क्योंकि एक जो है 2 बच्चा रहना, उसका परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं रहा है, इसलिए वो अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर हो जाएंगे। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का जो है वो एक क्वेश्चंस और बता देते हैं, और बाकी एक जो है वो आप लोग खुद करेंगे, और बाकी जो है सब एक्सरसाइज वो कल कवर की जाएंगी। तो आप लोग थर्ड बता दे, चलिए थर्ड बता देते हैं। तो ए कॉमा बी है और -A, -B है, चलिए ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चंस है वो सिखा देते हैं, तो इसको तो हटा सकते हैं ना। वो इधर लाइन कर लिया जाए, तो जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, ये थर्ड क्वेश्चन है ना, आप लोगों ने थर्ड पूछा है, ए कॉमा बी है, -A, में -B है, तो -A, में -B है, ये क्वेश्चन है, ठीक। इसको भी क्या करेंगे, ये X1 Y1 X2 Y2 ऐसे लिख लिया करिए, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो डायरेक्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपने समझने के लिए कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझना चाहिए, मेन मोटो समझना होना चाहिए। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जब जब कोई भी फॉर्मूला ना लर्न हो ना, तो जब एक्सरसाइज आप सॉल्व करिए या फिर एग्जाम्पल जो भी आप सॉल्व करिए, तो उसमें बार बार फॉर्मूले का यूज करिए। उससे होगा क्या, जितने बार लिखेंगे आप लोग उतनी बार आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर भूलने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। फॉर्मूले जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार बेस्ट प्रैक्टिस होती चली जाएगी, फिर भूलेगा नहीं, बार बार भूलने वाला काम खत्म हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो लिख लेते हैं, X2 - X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का होल स्क्वायर। लिखने के साथ साथ बोलेंगे भी आप लोग, ठीक है। तो जितना बोल रहे हैं बता रहे हैं उतना करते जाइए, और कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी तो हम हैं ही, कोई दिक्कत परेशानी होगा तो। यहाँ पे अब X2 कौन सा पॉइंट है, तो -A दिख रहा है, हाँ, और X1 क्या दिख रहा है, तो X1 ए दिख रहा है। थोड़ा ये अलग लिख लीजिए, तो X1 जो है वो ए दिख रहा है, इसका क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है सर। अब Y2 क्या है, तो Y2 -B है, ठीक, माइनस है ही क्वेश्चन में। और Y1 क्या है, तो B है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये इधर तो PQ PQ चल रहा है,
ठीक, अब क्या होगा, तो -a और -a, तो क्या होता है बाबू, -2a हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस -b, और -b तो क्या हो जाएगा, -2b हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये सही से आप लोग कर लेंगे। ठीक, अब जो होगा क्या होगा, तो पी क्यू स्क्वल टू में ये क्यू, पी क्यू स्क्वल टू में क्या हो जाएगा बाबू, -2a का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का तो स्क्वायर होगा तो प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे माइनस का तो कोई दिक्कत है नहीं, तो 4a स्क्वायर प्लस ऐसे ही -2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर, फिर देखेंगे तो 4 और 4 कॉमन दिख रहा है तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे ये जो है 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो पेयर बना तो परफेक्ट, जब स्क्वायर बनेगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या ब्रैकेट में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तीसरे वाले, पहले के तीसरे वाले क्वेश्चंस का यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये जो वीडियो है वो आप लोगों को समझ में आई होगी पूरी, और बाकी जो है कल सेकंड क्वेश्चन से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो जितना कवर हो पाएगा सेकंड वाली वीडियो में उतना कवर किया जाएगा, तो ये और मे बी ये, तो ये तीनों से चार क्वेश्चन जो भी होंगे मतलब देखे जाएंगे वो कवर किए जाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, सो थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।